छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पदस्थ आईएएस ऑफिसर युवराज मरमट को ब्लैकमेल कर 1.5 करोड़ रुपए की मांग करने का एक मामला सामने आया है। वहीं अब आईएएस युवराज मरमट ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आईएएस अफसर ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेल करने का और पैसे की मांग करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ में पदस्थ युवराज मरमट को एक महिला ने रेप केस में फंसाने की धमकी दी और 1.5 करोड़ रुपए की मांग की। महिला ने आईएएस युवराज मरमट के खिलाफ दिल्ली में शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं बताया जा रहा है कि महिला तलाकशुदा है और दिल्ली में ही रहती है। दोनों की मुलाकात दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने के दौरान हुई थी। आईएएस युवराज मरमट ने महिला पर आरोप लगाया है कि वह तलाकशुदा महिला उन पर शादी करने या मुआवजे के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए देने का दबाव बना रही है। महिला कथित तौर पर आईएएस को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही है। बता दें कि हाल ही में आईपीएस पी मोनिका से आईएएस युवराज मरमट ने कोर्ट मैरिज की थी। दोनों युवा अफसरों की शादी सुर्खियों में भी रही। वहीं अब आईएएस युवराज मरमट इस मामले के सामने आने के बाद फिर सुर्खियों में है।